आप एक बार कार्तिक से मिलकर उससे बात कीजिए ना, और किसी के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। राम, अगर वाकई में तुम्हें छोटी से इतना प्यार होता ना, तो तुम उसके सामने कार्तिक से मिलने की बात कभी नहीं करते। संभालिए अपने आप को, प्लीज रिलैक्स। आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है ना, नताशा बेटर है, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट टेक इट इजी। पागल हो गई हो तुम? क्या कह रही हो? टेक इट इजी? हाउ कैन आई टेक इट इजी? मेरी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में है तुम्हारी भाई की वजह से, और तुम कह रही हो कि टेक इट इजी। आई एम सॉरी प्रिया, बट आई कांट टेक इट इजी। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना, मैं कार्तिक को छोड़ने वाला नहीं हूं। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात को गलत नहीं समझ रहा हूं। तुम्हें मैं गलत कभी समझ ही नहीं सकता हूं ना, बिकॉज तुम तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। गलत तो मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं, जो इस तरह पागलों की तरह दो परिवारों के बीच में पिस रहा हूं। करूं तो क्या करूं? तुम्हारी बात नहीं मानता हूं तो तुम हर्ट हो जाती, तुम्हारी बात मानता हूं तो मेरी बहन अपनी जान लेने की कोशिश करती। व्हाट डू आई डू? मतलब मैं अपनी बीवी से उतना ही प्यार करता हूं जितनी अपनी बहन से करता हूं, क्या यही गलती है मेरी? आई कांट टेल यू हाउ गिल्टी आई एम फीलिंग राइट नाउ। टेक इट इजी। I'm sorry, मैं सच में ये नहीं कहना चाहती थी। मैं जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप इस समय अकेले हैं? मैं भी इस मेस में उतनी इन्वॉल्व हूँ जितने कि आप। I'm with you। हम मिलके हैंडल करेंगे ना मिस्टर कपूर? अब तक हमने इतना सब कुछ मिलके हैंडल किया है, इतना सफर साथ में तय किया है, तो आगे भी हम मिलके। यस यू आर राइट, आई एम सॉरी सॉरी। कार्तिक, ऐसे चिंता करने से क्या होगा? मेरा काम है, तू जा, जाके मिला तो उससे। हाँ, मैं तो कब का चला जाता, लेकिन दी ने मना किया, और ठीक है मना करने के बावजूद मैं जाऊंगा तो फिर पता नहीं ये सब कर क्यों रही है ना। आई मीन इतना बड़ा भी किया हुआ जिसकी वजह से ये सुसाइड वगैरह, अरे उन्होंने साबित क्या करना चाहती है? ऐसा भी कुछ नहीं किया था माँ हमने। सुधीर क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। आयशा बेटे जरा पानी पानी लेके आ, जल्दी से जा। थोड़ा पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ पापा, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं कार्तिक, मैं ठीक हूँ बेटा, उसकी कोई जरूरत? जरूरत है पापा, ऐसे ही नर्स की सेहत को लेके हम सब परेशान हैं। अब मैं आपकी सेहत को लेके मैं और रेस्ट नहीं लेना चाहता, प्लीज पापा। प्लीज बेटा। पापा लेकिन बेटा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात है ना, हम डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहते हैं, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अरे तुम कब आए? हाय हाय हाय, सॉरी पानी ला दूं? नहीं नहीं, आई एम ओके। बैठो। हाउ वाज योर डे? प्रोडक्टिव बट हेक्टिक। थक गया यार। भूख लगी होगी ना? नेहा, तुम लंच भेजती हो ना? लंच के साथ साथ डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी भेज देती हो मुझे। अरे इतना खाना भेज देती हो कि अभी तक पेट भरा हुआ है मेरा। कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। पता है ऑफिस में सबके साथ खाना शेयर करना पड़ता है मुझे। अच्छा बेबी, मुझे नहीं लगता मैं इतना खाना भेजती हूँ कि तुम सबके साथ शेयर कर सकते हो। हाँ किसी एक के साथ शेयर करते हो तो आई विल बिलीव यू। बिल्कुल
वो एक आधा और कोई नहीं, हैरी है। अगर वो आ जाए ना खाना खाने तब कोई टेंशन नहीं होती। सीहर ईट यार, खाना खाने बैठती है ना तो चार आदमियों का खाना अकेले खा जाती है। She really likes her food. अच्छा, हैरी को हमारे घर का खाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पता है, जब से तुमने टिफिन भेजना शुरू किया उसने अपने कुक की तो छुट्टी कर दी है। अच्छा एक काम करते हैं, भूख तो नहीं लगी लेकिन मैं फ्रेश होकर आता हूँ और एक अच्छी सी बढ़िया सी कॉफी शेयर करता हूँ। ओके, गिव मी अ मिनट। हाँ हाँ, बढ़िया ही विक्रम का डब्बा शेयर करने वाली। मैं जानती हूँ तुम एक्चुअली क्या शेयर करना चाहती हो हैरी। अरे आप ये क्या कह रही है, डॉक्टर शाह है नहीं? हाँ सर, मैं आपको दूसरे डॉक्टर का रेफरेंस दे देती हूँ, तब तक आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। कार्तिक, मैं ठीक हूँ बेटा, चिंता मत कर, हम दो तीन दिन इंतजार कर लेंगे। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। ये लीजिए सर। हेलो। हेलो सर, मैं कार्तिक शर्मा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पापा डॉक्टर शाह के पेशेंट हैं, क्योंकि डॉक्टर शाह आउट ऑफ टाउन है तो हमें यहाँ से आपका रेफरेंस मिला। एक्चुअली मेरे पापा को बीपी फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती तो। देखिए आज की सारी अपॉइंटमेंट्स फुल है। डॉक्टर साहब, अगर आज की अपॉइंटमेंट मिल जाती तो। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? डॉक्टर साहब सुनिए, हेलो हेलो हेलो, अरे अरे कैसा डॉक्टर है, ऐसे बिहेव कर रहे जैसे अपॉइंटमेंट देकर एहसान करो हम पर, अगर 10 मिनट देर कर देता तो। ओके बेटा, पापा एक मिनट तू रिलैक्स कर, मुझे ठीक लग रहा है, चल पापा। लेकिन चल बेटा घर, चल चल। पापा आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, चल। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। नताशा और कार्तिक के झगड़े का असर कहीं ना कहीं मिस्टर कपूर और मेरे रिश्ते पे पड़ रहा है, और मैं ऐसे होने नहीं दे सकती। मुझे यकीन है कि नताशा और कार्तिक में से कोई एक झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? शायद नताशा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नताशा ही वाकई में सच बोल रही है और मैं कार्तिक को सिर्फ इसलिए इनोसेंट समझ रही हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। लेकिन उस दिन माँ पापा ने भी तो कार्तिक को ही सपोर्ट किया। अगर कार्तिक गलत होता तो पापा तो ऐसा कम से कम कभी नहीं करते। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, मुझे इस मामले की तह तक जाना ही होगा, क्योंकि आखिर इस एक सही और गलत के साथ मेरी और मिस्टर कपूर की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। मामा जी, कुछ पता चला? ओए राम पुत्र, ओए हो जा हैप्पी शैप्पी। ओ खुशखबरी है तेरे लिए, ओए आज शाम को तेरी छोटी डिस्चार्ज हो रही है हॉस्पिटल से। ओ थैंक गॉड, दैट्स वेरी गुड न्यूज। कितने बजे डिस्चार्ज मिल रहा है? मैं भी जाता हूँ ना वहाँ पर। ओ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो तेरी माँ है ना वहाँ, वो ले आएगी हॉस्पिटल से। ओ आई सी, इसका मतलब प्रिया भी शायद वही होगी, उसने मुझे ये बात बताई नहीं। ओ प्रिया तो डॉक्टर के फोन आने से पहले ही चली गई थी। ओ कहाँ चली गई, उसका फोन भी ऑफ? भाई भाभी किसी जरूरी काम से बाहर गई है, उन्होंने कहा है कि जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आपको कॉल कर लेंगे। ड्राइवर जल्दी चलो ना। जी मैम। इतना ट्रैफिक है ड्राइवर, कुछ तो करो, कहीं और से निकालो ना, जल्दी करो।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात करनी पड़ेगी। तुम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और कोई तरीका नहीं छोड़ा है तुमने? तार लाए और जो तुम इसके साथ खिलवाड़ कर रही हो ना, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा और जो भी बोलूंगा जिस जुबान में बोलूंगा तुम्हें सुनना होगा। कार्तिक ये सब क्या है, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। जब मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं तो तुम्हारे चेहरे पे निशान आए कहाँ से? हाँ, शायद रैम पर मॉडल्स का मेकअप करते करते तुमने खुद का भी मेकअप करना शुरू कर दिया है ना? ये डर लग रहा है कि मेकअप उतर जाएगा। तुम्हारे चेहरे पे ये एक एक घाव एक एक निशान झूठा है, और आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। क्यों रही हो? क्यों दो जिंदगियां बर्बाद कर रही हो? क्यों खेल रही हो तुम दो रिश्तों के साथ? जो कुछ भी मैंने किया कार्तिक, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे घर वालों ने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पिछले 6 महीनों से मैं हर रोज उस घर के साथ एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन आज तक उस घर ने मेरे साथ कभी एडजस्ट नहीं किया। घुटन हो रही थी मुझे उस घर में। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने कम गलतियां नहीं की। लेकिन तुम्हें उनकी गलती दिखती कहाँ है? जब जब उस घर में झगड़ा हुआ तुमने हमेशा उनका साइड या उन्हें सपोर्ट किया। कभी मुझे प्रोटेक्ट करने की या सपोर्ट करने की कोशिश की तुमने? कभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की तुमने? मैं जितना कर सकती थी किया मैंने, उससे ज्यादा करने की कोशिश तक की, लेकिन अब नहीं होता मुझसे। मेरा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कार्तिक। मुझे अब छुटकारा चाहिए उस घर से, और वो भी हमेशा के लिए। और उस छुटकारे को पाने के लिए यही एक ऑप्शन था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी है नताशा? अभी वो बिल्कुल ठीक है, आप उनको लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कितनी अजीब सी बात है ना, आज से सिर्फ 6 महीने पहले तक हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि उस प्यार को रिश्ते में बदलने की पहली जिद भी तुम्हारी थी। तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी, और आज जिससे तुम इतना प्यार करती थी, जिससे तुमने शादी की, उसी पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा रही। कितना बदल गया ना 6 महीने में हमारा ये रिश्ता। चौथा, अगर हमने शादी ना की होती, कहां से कहां आ गए हम? कभी कभी तो सोचता हूँ कि हमारा प्यार शादी के बाद किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति, और तुम्हारा पति होने के बावजूद मुझे छुप छुप कर तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा, क्यों? तुम्हारे भाई से बचकर, तुम्हारी फैमिली से नजर बचाकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्यों नताशा, क्यों? किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? नताशा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे आके बताती। I was always there for you. आज तक मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो ये भी कर देता, और अगर अगर तुम्हें इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए तो वो भी बता देती, वो भी दे देता। अच्छा, ये एक गलत हरकत, एक गलत हरकत ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। माय वाइफ, एंड आई स्टिल लव यू। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा प्यार बरकरार है तुम्हारे लिए। नहीं रुक पाया था जब दी ने बताया कि तुमने अपनी कलाई काट ली है। दी के बार बार मना करने के बावजूद तुमने अपने आप को यहां से नहीं रोक पाया, जस्ट बिकॉज़ आई लव यू। आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। तुम्हारे लिए तो ये जज्बातों के मायने बदल चुके हैं ना। कार्तिक, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ उस घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारी माँ का बार बार मुझे इंसल्ट करना, तुम्हारी बहन के ब्लेम गेम नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। और समझ सकता हूँ, और जब जब तुम सही हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें सपोर्ट किया है मैंने। अगर आज भी सही होती ना तो मुझे अपने साथ खड़ा पाती, लेकिन तुमने तो मुझे वो मौका ही नहीं दिया ना। तुमने तो दो घरों के बीच में हंसते खेलते माहौल को खराब कर दिया नताशा। क्यों? तुम्हें खुशी मिली, मुझे खुशी मिली, हमारे घर वालों को खुशी मिली। नताशा, हम में से कोई भी खुश नहीं है। Our lives have become hell.
सबके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ मैंने गलती की है, लेकिन कार्तिक मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि बात इस तरह से बिगड़ जाए। And I still love you, damn it. उतना ही जितना शादी के पहले करती थी। कार्तिक मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकती, ना वो मेरे साथ रह सकते। Why don't you understand that? नताशा उसका हल है ना हमारे पास, हम अलग रह सकते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठंडे दिमाग से सोचो तो उसका हल पॉसिबल है। तुम्हें तो वो करना ही नहीं है ना, तुमने तो एक छोटी सी बात को खींचकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। वो नताशा क्यों? तुम्हारी वजह से मेरी बहन अपनी पति की नजरों में गिर गई। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जानती थी और उसे सच्चाई का साथ दिया इसलिए। नताशा क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों? I'm really sorry. मैंने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन कार्तिक, I promise, सब कुछ अभी भी रेक्टिफाई हो सकता है। Everything. मैं भाई से बात करूंगी कार्तिक। जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, everything. और सब कुछ ठीक हो सकता है। और वैसे भी मुझे पापा से माफी मांगनी है, मैंने उनके साथ बहुत गलत की। लेकिन कार्तिक, अगर तुम मेरा साथ दोगे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस्ड, आई रियली डू। तुम्हारा साथ दूंगा। नताशा ही आपको सब कुछ सच सच बताएगी। क्या हुआ, क्या है? प्रिया, सॉरी, रियली सॉरी, मैंने झूठ बोला था। कार्तिक ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मतलब जो कुछ भी किया वो मैं एक बार फिर भी समझ सकती हूँ, लेकिन निहारिका जी ये सब जो कर रही हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। No, everything is sorted. मैं नताशा को लेकर अब घर जा रहा हूँ और अब हम बहुत जल्दी अलग घर लेकर रहना शुरू कर देंगे। अलग मतलब? थी, साथ में रहकर नफरत बढ़ाने से तो अच्छा है कि दूर रहकर प्यार बना रहे। और प्रिया, मैं भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं भाई को और हर्ट नहीं कर सकती। हाँ, वो तुम दोनों को लेकर बहुत परेशान है। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि प्रिया बोलो। वो नताशा को, नताशा का नहीं, कुछ हुआ नहीं है। वो उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया है, वो ठीक है। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं मतलब वो है
लेकिन वो सरप्राइज है आपके लिए. सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो नताशा के बारे में ही सरप्राइज है. अरे क्या नच के बारे में? मतलब मैं नहीं बता सकती आपको. आप रिलैक्स रिलैक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नताशा एकदम ठीक है. मैंने कहा ना, डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज भी दे दिया है, अब वो घर जा सकती है. और सब कुछ ठीक हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है. लेकिन जो कुछ भी बताना है वो नताशा आपको खुद बताएगी. वही आपके लिए सरप्राइज है. ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ. ओके बाय. थैंक यू. यू टेक केयर. वो मैं नीचे जाके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करने के लिए कह देती हूँ, फिर मैं नीचे से निकल जाऊंगी. जब तक नताशा को डिस्चार्ज नहीं मिलता, तुम उसके साथ ही रहना. ओके ने नताशा के साथ अलग रहने का फैसला बिना किसी से डिस्कस किए कैसे ले लिया? पापा वैसे ही इतने बीमार हैं, पता नहीं क्या हो रहा है. सही जी. प्रिया कहाँ हो तुम? मैं बस अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ. क्यों, क्या हुआ? नताशा की बात हुई आपसे? नहीं, अभी तक बात नहीं हो पाई. वो माँ ने घर बुलाया. घर बुलाया अभी? क्या हुआ? पता नहीं, कहा कि अर्जेंट है, इतना जल्दी से आ जाओ. अच्छा ठीक है, तो मैं पहुंचती हूँ घर. आप? मैं भी बस निकल ही रहा हूँ. ओके सी यू सून. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.